लेकिन बीबी कहीं और मुंह मार रही है क्योंकि उसको भाई मेरा पति तो खराब हो गया, स्मार्ट चाहिए, तो यही सब चीज किया बेचारा। जेवर भी लेके भाग गया? जी जी। कितने का जेवर था? वही तकरीबन उसका तो कागज है बना हुआ, वो 2-2.5 लाख रुपया का होगा। 2-2.5 लाख रुपया का जेवर लेके चले गया जी, मतलब आपका सारा कमाई गया जी, मतलब इज्जत भी गया कमाई भी गया। अब नमस्कार दोस्तों, देखिए सबसे ज्यादा घरेलू मामला सामने आ रहा है और सबसे ज़्यादा सामने ये आ रहा है कि पति पत्नी शादी कर लेते हैं लेकिन पत्नी जो है बिना पति को डिवोर्स दिए और दूसरा शादी कर लेते हैं। हमारे साथ एक पुरुष हैं जो अपने पत्नी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, और हमारे साथ कंचन मैडम हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? बख्तियारपुर से आए हैं। कैसे यहाँ कैसे आए? मैडम के देखे थे एप्स में, वीडियो में देखे थे। वीडियो में देखे थे। क्या है आपके साथ परेशानी? परेशानी है, पत्नी बिना तलाक दिए हुए शादी कर ली है, झारखंड मेरा ससुराल हुआ। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर जी, पटना जिला से हैं? जी पटना जिला। अच्छा, कितने दिन आपका शादी का हुआ? 5 साल हो गया है। 5 साल हो गया जी, फिर भी वो छोड़ के चले गई? चली गई है। बच्चा भी है? एक बच्चा है। शादी अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज था। फिर भी वो छोड़ के चले गई जी, तो उनके मम्मी पापा से बातचीत किए क्या, कुछ बोले? वो जब बात करने के लिए गए तो उस समय वो लोग कुछ नहीं बोले, अभी भी कुछ फोने नहीं उठाते हैं। अभी फोन नहीं उठाते हैं? नहीं, फोन भी नहीं उठाते हैं। आखिर आप अपना ससुराल गए कि नहीं? जब आपकी बीवी नहीं आई, ससुराल गई होगी, तो आप उनसे कुछ बातचीत किए कि नहीं? हाँ गए थे, हम लोग गए थे तो वहाँ नहीं थी। बोले, उसका परिवार बोला कि शादी हम कर दिए दूसरे जगह, तो हम बोले, फिर वो लोग भगा दिया वहाँ से, हम लोग के मारपीट कर बोला कर, मारपीट के भगा दिया। मारपीट क्या बोली लड़की की मम्मी? क्या बोली लड़की की मम्मी? बोली कि मैं बेटी अपना दूसरा के यहाँ शादी कर दिया हूँ। हाँ। तेरे यहाँ नहीं जाएगा, तेरे यहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और जो लड़का है? वो लड़का मेरे पास है। आपके पास? जी। आप अपने लड़के को रखने के लिए तैयार हैं? जी। क्या चाहते हैं लड़की से, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। किस तरह का इंसाफ? मन वो जो इंसाफ होता है हमको, मतलब क्या उनसे डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स चाहिए, मतलब उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जी जी। वो अपना शादी कर ली, दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रही है। खुशी खुशी रह रही है। आपको उनसे डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स चाहिए। चलिए देखिए, इनको उनसे डिवोर्स चाहिए और सबसे ज़्यादा मामला यही आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी सभी लोग जो है घरेलू मामला से ज़्यादा परेशान है। अच्छा मैडम, आप बताइए कि आखिर लड़कियों को, महिलाओं को क्या ज़रूरत पड़ जाता है कि शादीशुदा बच्चा भी है फिर भी वो दूसरों के साथ भाग जाती है? देखिए ऐसे केस हमारे पास बहुत आए हुए हैं, पहले भी हम ये सब केस बहुत सॉल्व किए हैं और ये एक नया केस नहीं है। बिल्कुल। जो अभी पता नहीं, देखिए लड़की वाला तो स्टोरी ही ख़त्म हो गया है, औरत ही ज़्यादातर अभी 99% पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। अब ये चीज़ में आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो जाता है, तो किसी के दिल की बातें तो हम बता नहीं सकते कि उसके अंदर में क्या है, ये तो हम भगवान नहीं बैठे हुए हैं। बट लेकिन ये जो करती है ये गलत करती है, क्योंकि पति लेबर मजदूर होता है, 2 वक्त की रोटी कमा कर उसके लिए ही खट रहा है ना, सुबह से शाम खट रहा है कि भाई मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को हम 2 वक्त की रोटी दें। और ये जो औरत कर देती है कि बच्चा छोड़ देना या पति को छोड़ के भाग जाना, ये गलत करती है। इसके लिए देखिए पति के लिए कानून बना हुआ है कि भाई ऐसा करता है तो उसको तुरंत जेल भेजो। हाँ। या किसी लड़की के साथ रहता है तो 376 धारा लगाओ। तो हमको लगता है कि अगर औरत ऐसे कर रही है तो औरत के लिए भी एक सज़ा होना चाहिए, होना चाहिए, ताकि अगला औरत को ये सीख मिले कि हम ऐसा ना करें, ना करें। अच्छा देखिए, कितना खुशी से शादी हुआ, अरेंज मैरिज शादी हुआ, समाज में हुआ हंसी खुशी से, और शादी होने के बाद एक बच्चे भी हुए। अगर बच्चा नहीं होता तो चलो भाई कोई दिक्कत है, एक बच्चे भी हुए। बच्चे अभी 3 साल के हैं? जी अभी बच्चे 3 साल के हैं। अब बताइए वो कैसी माँ होगी जो अपने बच्चे को अगर नहीं पहचाने तो वो और किसी को पहचानेगी, अपना माँ नहीं। देखिए अभी जो दौर चल गया है ना, औरत को हवा जो लग गया है, हवा लग गया है मर्द का, सिर्फ लड़का का हवा लगा है, क्योंकि पति से पता नहीं उसको क्या नहीं मिल पाता है। हाँ। जो अपना पति को छोड़ के लड़का के पीछे पागल हो जाती है, जिसको 9 महीना कोख में रखती है उसको भी भुला देती है। कम से कम अपने बच्चे को रखने के लिए तैयार, बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है? नहीं बच्चे के भी नहीं। अब बताइए बच्चे को तो रखना चाहिए, अगर पति से उनको दिक्कत, मारपीट भी करते थे आप? नहीं मारपीट नहीं किए, नहीं करते हैं आप? नशा भी करते हैं? नहीं कुछ नहीं करते हैं। क्या काम क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं? जी। कितना कमाते हैं?
वही 5-6 हज़ार रुपया मिलता है पटना में। देखिए सब चीज़ ये करते हैं, पति से अगर किसी को दिक्कत है तो अपने बच्चे से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो आपके कोख का है, 9 महीना आपने उनको पाला है, और बच्चे को भी छोड़ के वो चले गई, पति को भी छोड़ के चले गई, जबकि इतना अच्छा पति कमाता है, खिलाता है बढ़िया से, तो यही बात ना बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी पता नहीं औरत लोग को क्या हो गया है कि लड़का के पीछे भाग जाती है, अपना पति उसको खराब लगने लगता है, बच्चा भी खराब लगता है, जिसको 9 महीने अपने खून से सींच कर जन्म धरती पे देती है, लड़का 4 दिन का छोड़ा आता है, प्यार मोहब्बत के हवा लगा देता है, उसके साथ फरार हो जाती, इनका जेवर भी लेके भाग गई, जो कि खुद ये दिला है। अच्छा आप बोले कि आपका जेवर भी लेके भाग गया? जी जी। कितने का जेवर था? वही तकरीबन उसका तो कागज है बना हुआ, वो 2-2.5 लाख रुपया का होगा। 2-2.5 लाख रुपया का जेवर लेके चले गया जी, मतलब आपका सारा कमाई गया जी, मतलब इज्जत भी गया कमाई भी गया। अब सोचिए कि जो आदमी 5-6 हज़ार रुपया कमाता हो महीना का, वो कितना मुश्किल से 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के ये जेवर बनाया होगा। 10 साल लगा था मैडम पैसा जमा करने में, 10 साल से कमा रहे थे। क्या जरूरी था इतना महंगा गहना उनको देने का? नहीं बोला ना साहब कि परिवार तेरा ही है ना, तेरे पास ही ना रहेगा, इसलिए हम लोग बनवा दिए थे। आप मांगने गए थे ससुराल क्या? वो तो गए, हम लोग को पता जब चला कि शादी कर ली है दूसरी, तो हम गए थे उसके पास में, तो उसकी माँ जो है ना वो बोला कि जब मैं दूसरे शादी कर दिया हूँ तो चला जाओ यहाँ से, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो आपका जो गहना लेके गई थी वो दी? नहीं दिए। क्या बोली, नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा बताइए मैडम क्या होगा ऐसे स्थिति में कि इनका जो पैसा कमाया वो भी नहीं मिल रहा है, नहीं पत्नी मिल रहा है, मतलब चारों तरफ से बर्बाद है इज्जत। देखिए अभी के युग में कहते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित होते हैं, हमारा कहना है, जैसे कि लोग हमें जानते हैं, हमारा कहना है कि महिलाएं से ज़्यादा अभी पुरुष पीड़ित हो रहा है। इसलिए पीड़ित हो रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें हम अधिकतर देख रहे हैं पत्नी ही भाग रही है, बहुत सारे मेरे वीडियो में देखे होंगे। आखिर ऐसा क्या स्थिति, क्या नौबत आता है कि पत्नी अपने बच्चे को भी छोड़ के फरार हो जाती दूसरे के साथ, और वो रखने वाला जो अगला लड़का है उसको नहीं दिखता है, अगर ये अपने बच्चे को अपना नहीं बना सकी तो हमको क्या बनाएगी? अगला लड़का को क्यों दिखेगा? अगला लड़का तो बस यही ना चाहेगा कि भाई इसके संग मस्ती कर, वो भी 2 साल 3 साल बाद वो भी छोड़ देगा। जो अपना पत्नी का नहीं हो सका, पति का नहीं हो सका, बच्चा का नहीं हो सका, वो औरत उसकी हो जाएगी। लड़का जा नहीं रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन बेवकूफ अभी औरत हो रही है। बेवकूफ तो औरत बन रही है, बर्बाद तो औरत हो रही है, आपको यूज करवा रही है, बेवकूफ हो रही है। अगर लड़की की समझदारी हो औरत को कि नहीं, तो हवा लग जाता है कि भाई वो लड़का है, मेरा पति नहीं है, पति से इसको पता नहीं क्या संतुष्टि नहीं मिलता है कि ऐसे ऐसी औरत अभी धरती पे पैदा ले ली है कि अपने बच्चे को भी छोड़ के भाग जा रही है, किस चीज़ के लिए भागती है? मैडम इस केस में बताइए, अब तो आपके पास ये आ गए हैं, आपके पास आप बहुत लोगों को न्याय दिलाएं, अब इनको किस तरह से आप न्याय दिलाएंगे? क्या कुछ इनका जेवर इनको वापस मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा? और ये अपने पत्नी से डिवोर्स चाहते हैं, क्या इनको डिवोर्स भी मिलेगा? देखिए अभी हम बता देते हैं, हम एक तरफा सुनकर कोई भी फैसला नहीं करते हैं, दोनों पक्ष के सुनते हैं। हो सके ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा हो, तो अभी ये नंबर हमको दिए, हम बोले कि नहीं तुम झूठ बोल रहा है, क्या सबूत है कि तुम्हारी पत्नी शादी कर ली है चाहे कुछ भी? तो ये अपनी वाइफ का नंबर दिए, अभी हमारे मोबाइल से भी ये देख सकते हैं। हम लड़की को डायल किए, वो लड़की बात की और बोल रही है रॉन्ग नंबर, ठीक। उसके बाद ये बोले कि मेरी सास से बात किए, जब सास से भी बात किए, सास ये तैयार है कि हाँ मेरी बेटी शादी कर ली, हमको मतलब नहीं है, तो चलो भाई जो भी है। लेकिन जब इस चीज़ से हम कन्फर्म हो गए कि इनकी पत्नी दूसरे के साथ शादी कर, एकदम शादी कर चुके, ये कन्फर्म कर चुके, और ये भी कन्फर्म हो गए हैं कि ये बेचारा जेवर दिलाया है, इनके पास कागज है, जो अठमल गोला से जेवर लिया गया है वो सब लेके भाग, तो ये कन्फर्म। ज़्यादातर देखिए डिवोर्स तो हम दिला नहीं सकते, हम कानून नहीं बैठे हुए हैं, ठीक, लेकिन ये चीज़ हम दिला सकते हैं कि भाई अब तुम अपना घर बसा चुकी हो, बच्चा के छोड़ के पति के छोड़ के, तो इसको भी आज़ाद करो। एक उस पर हम ये चीज़ दबाव डाल सकते हैं कि भाई इसको भी आज़ाद करो, इसको भी जीने का हक है, तुम जी रही हो औरत हो के, तो ये क्यों नहीं जी सकता है? इसका भी हक है, धरती पर तुम पैदा नहीं की, इसको भगवान भेजे हैं, तो तुम जी सकती हो किसी गैर मर्द के साथ, तो ये क्यों नहीं अपने बच्चे के लिए शादी कर सकता? तो इसको भी तुम छुटकारा करो, और जो लिए हो इसका जेवर, जो इसका तुम अपने मायके से नहीं लाई थी, जो खून पसीना से ये सीजा है, हो सके अपनी बहू को दान करी है, बहू को दान कर दे, कि कहाँ से बनाएगा, तो ये चीज़ उसका दो। ये चीज़ हम कोशिश करेंगे कि जेवर दिलवा देंगे, और उस औरत से बॉन्ड पेपर पे हम ये लिखित कागज़ करवा लेंगे कि आगे लाइफ में इसका कभी इस पर कोई केस ना करें,
और इससे को ये इसका जेवर दे दे और ये अपना शादी खुद अपने मर्जी से कर सकते हैं, इस पर कोई दबाव ना हो, ये चीज़ हम करवा सकते हैं। इसका मर्जी हुआ ये करे या ना करे, हाँ, ये चाहे मतलब ये इतना हम कर सकते हैं। बाकी बात आप क्या उम्मीद लेके आए थे? हम तो मैडम के देखे थे एप्स पर, तो मैडम से बहुत सारा लगता है अब आपको न्याय मिलेगा। हाँ मैडम से आए हैं, मैडम से न्याय मिलने का आशा है। बाकी बात वैसे लोगों को क्या बोलिएगा जिनका पत्नी भाग जाती है, जैसे आपकी भाग गई, उन लोगों का हम क्या कहेंगे? जेवर लेके भाग गया, आपका सारा कमाई लेके भाग गया। अपना से सतर्क रहेगा तो सही रहेगा। आखिर आप क्या गलती किए जी, आपकी पत्नी भाग गई? हमारा क्या गलती है सर, हमारा कुछ गलती नहीं है, कुछ गलती नहीं है। इससे ज्यादा स्मार्ट होगा, इससे ज्यादा स्मार्ट की औरतें तो, और आजकल की औरतें तो यही ना, बेचारा मर्द कमा कमा के खट रहा है, न चेहरा पे ध्यान देना न शरीर पे, बीवी को खुश रखना, लेकिन बीवी कहीं और मुंह मार रही है क्योंकि उसको भाई मेरा पति तो खराब हो गया, स्मार्ट चाहिए, तो यही सब चीज़ किया बेचारा। बाकी देखिए ये जो है कंचन मैडम के पास आ गए हैं और कंचन मैडम अब इनको इंसाफ दिलाएंगी, इनका जो पैसा है वो सारा रिटर्न करवाएंगी। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, जो ऐसी महिला होती है शादीशुदा बच्चा होने के बावजूद भी भाग जाती है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अपना कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।